हिमाचल में भारी बर्फबारी जारी है, जिसके चलते लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और बर्फबारी के बाद जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं दूसरी तरफ शिमला में कुछ पर्यटक बर्फबारी में फंस गए हैं, जिन्हें रेस्क्यू किया गया। हिमाचल की राजधानी शिमला समेत कई इलाकों में हो रही बर्फबारी से जहां सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं, वहीं स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिजली के टावर गिर गए हैं, तारों पर बर्फ जम गई है, बर्फ जमने की वजह से रास्ते बंद हैं और दुकानें भी बंद हैं, जिसका स्थानीय लोगों की दिनचर्या पर खासा असर पड़ रहा है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, रास्ते बंद है, दो दिन से बिजली नहीं है, पानी नहीं है, टंकियां जाम हैं, पाइप जाम है, और जो डेली नीड्स होती थी दूध ब्रेड ये सब चीज़ें ये तो कल से बंद है। जिस तरह से आज सड़कों का हाल है, मुझे लगता नहीं कि आज भी ये सब रिस्टोर हो पाएगा। बर्फबारी की वजह से पहाड़ों पर जिंदगी थम सी गई है, लेकिन प्रशासन का दावा है कि वो हालात को नियंत्रित करने की कोशिशों में जुटा हुआ है। प्रदेश के मुख्य सचिव वीसी फारका के मुताबिक तमाम रास्तों से बर्फ हटाने का काम जारी है, साथ ही बर्फ की वजह से बंद हुई सड़कों की रिपोर्ट्स भी मंगाई जा रही है। तो हमने सभी जिला प्रशासन सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि जहाँ भी मशीनरी संभव हो वहाँ मशीनरी खड़ा करें, जहाँ लेबर से खोल सके लेबर लगाए, तो सबको डायरेक्शन दे दिया है और अभी भी मैं सुबह से मॉनिटर कर रहा हूँ। हिमाचल में इस बार वर्षों बाद इतनी बर्फबारी हुई है, जिसों पर बड़ा असर देखने को मिल रहा है। शिमला और मनाली में भी कुछ पर्यटक बर्फबारी में फंस गए थे, लेकिन अब उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन प्रशासन और आम लोगों की चुनौतियाँ अभी खत्म नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया, शिमला।